और सामग्री और घी की आहुति साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की, शिव जी महाराज की, वीर हनुमान की, भारत के ऋषि महर्षियों की, भारत के बलिदानियों की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जयकारा। वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। सभी देवी देवताओं की, हवन देवता की, परमपिता परमात्मा की ओम नमः परमात्मा ने। अब आप लोग खड़े होकर के तीन तीन परिक्रमा करोगे। आपका नाम? आरिफ। आरिफ, आप आज आप आश्रम में आए हैं? जी हाँ। क्या मामला? सर, हमें अपने स्नातक धर्म में वापसी के लिए बड़ी खुशी है और स्नातक धर्म में वापसी के लिए ही आए। सर, तो अब क्या नाम हो गया आरिफ साहब? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी, कितने दिन पहले आप इस वापसी धर्म आए? कितने दिन तक? 15-16 साल पहले हमें बेला फुसला कर सर, या किसी भी के हमारे बड़े बूढ़ों ने और धर्म चेंज कर दिया था सर, पर हमें ये हम अपनी मर्जी से 15-16 साल के बाद अब अपने स्नातक धर्म में वापसी आने की अपनी मर्जी से आ गए हैं सर। तो क्या लगता है अपने धर्म के में आकर आपको कितना क्या? अपने धर्म में आके सर बड़ी खुशी महसूस हुई और अच्छा लगा सर, इसलिए वापसी अपने धर्म में ही आ गए हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं सर, किसी के कोई भी किस चीज़ से हमें अपने धर्म से मोहब्बत प्यार, इसी वजह से हम अपने धर्म में वापसी आए सर। ऐसा क्या लगा जो तुम्हें अपने धर्म में वापसी के लिए मजबूर? सर, अपना धर्म तो अच्छा है, इसलिए अच्छाई और सब कुछ बढ़िया, इसी वजह से अपने धर्म में वापसी। जो चीज़ हम पहले ही धर्म स्नात धर्म में थे तभी वापसी इसी धर्म में आने की हमारी इच्छा थी और अच्छा लगा हमें, तभी वापसी आए सर। इसलिए आपने आहुति दी है, श्लोक बोले हैं। जी हाँ, महादेव के नारे। जी जी, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, सही है, अच्छा है सर। कितने लोग इकट्ठे हो? सर, हम लगभग 5-6 परिवार के लोग हैं और 25-26 आदमी है सर, 26 लगभग। तो सभी सामूहिक? जी बिल्कुल। अब इस धर्म में आप परमानेंट? जी बिल्कुल। रहने वाले कहाँ हैं? सहारनपुर। आज जो आपको महाराज जी ने वापसी कराई है? जी हाँ। तो महाराज जी के लिए क्या? महाराज जी के लिए सर दिल से ये शुभकामनाएं हैं सर के, बाकी में हमें अपने धर्म में वापसी के लिए इन्हें हम दिल से शुभकामनाएं देते हैं। नमाज़ी पढ़ते होंगे? पहले तो सर जो भी करते थे वो तो, अब तो सर हम अपनी शुद्ध होके अब अपने ही धर्म में आ चुके सर, तो अब तो जो भी करना है हमें इसी धर्म के आधार पर सब कुछ भी सब यहीं से करना है सर। और भी भोले भटकों को आप राह दिखाएंगे? जी बिल्कुल, अगर कोई मिलता है बिल्कुल बताएंगे सर कि अपना ही धर्म सही है, स्नातक धर्म जो है वो अपना धर्म अपना ही होता है सर, इसलिए हम बताएंगे। स्वीकार कर लिया था, उन 7 को भी हिंदू बनाया और उसके पश्चात यहाँ 15 मुस्लिमों को भी हिंदू बनाया और आज 26 की संख्या में है इनको हिंदू बनाया गया। और अभी और भी लोग हमारे संपर्क में हैं जिनमें मूले जाट, राजपूत मुसलमान और जो गुजर मुसलमान और त्यागी मुसलमान, इनसे हमारे संपर्क चल रहे हैं, वे हमारे संपर्क में हैं, शीघ्र वे भी पुनः हिंदू धर्म में आ जाएंगे। महाराज जी, ये जानना चाहेंगे कि लगातार इतने वर्षों पुराने मुस्लिम परिवार अब हिंदू में हिंदू बन रहे हैं,
अब योगी सरकार चल रही है, क्या इसका क्या प्लान निकाला जा सकता है? देखिए, पूर्व की जो सरकारें थी वे बड़े दबाव में हिंदू रहते थे उस पर, उन सरकारों में, और इनका साहस नहीं हो पाता था। लेकिन जब से केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, अमित शाह जी ने जो नेतृत्व देश को दिया, उससे हिंदू समाज में सोया हुआ स्वाभिमान जाग गया, और जाग करके फिर इनके मन मस्तिष्क में आया कि रे अब समय है हमें पुनः अपने सत्य सनातन हिंदू धर्म में वापस आ जाना चाहिए। और यही विचार करके भारत के कोने कोने के लोग अब हिंदू धर्म में पुनः वापस आ रहे हैं। उसी कड़ी में इस आश्रम में भी कुछ मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। यशवीर जी, आज कुछ परिवारों को आपने जो है हिंदू धर्म में वापसी कराई है। देखिए, ये कुछ वर्ष पूर्व हिंदू थे और दबाव में, लालच में ये हिंदू से मुसलमान बन गए, और ये सारा जो मामला चला है समाजवादी पार्टी के शासन में चला है, उसमें बहुत बिल्कुल ये मान करके चलिए कि जितना औरंगजेब भी नहीं कर पाया था धर्म परिवर्तन, इस पार्टी के अंतर्गत हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ, तो इन्होंने वहाँ रह करके घुटन महसूस की और फिर इनका मन बना कि हम पुनः हिंदू धर्म में आए, तो आज ये लोग संख्या में 26 हैं, जिनमें पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। इन्होंने हवन के माध्यम से आहुति दे करके घी सामग्री की, हलवे की, अपने को इस्लाम मजहब से हिंदू धर्म में दीक्षित करा लिया। ये संख्या में 26 हैं, परिवार तो चार परिवार हैं, हाँ 5-6 परिवार बस, उसके 26 सदस्य हैं। कब संपर्क में आए आपके धर्म परिवर्तन? देखिए, इनको जानकारी हुई थी कि यहाँ आश्रम में 17 नवंबर को 51 किलो घी का महायज भंडारा, तो ये कुछ लोग यहाँ आए, आकर के इन्होंने देखा और इनके अंदर एक अपने पूर्वजों के धर्म, सनातन धर्म के प्रति भावना जगी, और जग करके फिर उन्होंने अपने परिवार में जाकर के संपर्क किया, सभी लोग तैयार हो गए, तो फिर आज सभी लोग यहाँ आकर के इन्होंने हवन में आहुति दे करके अपने को शुद्ध कर लिया। अभी तक कितने लोगों को आप धर्म में वापसी करा चुके हैं? ये देखिए कि कांधला के अंदर 9 अगस्त को 19 सदस्य हिंदू बने, और उससे 4-5 दिन के पश्चात 7 ऐसे हिंदू थे जिन्होंने ईसाई मत को। आपका नाम? नाजमा। आपका क्या नाम हो गया? हमारा नाम सोनिया। सोनिया रख लिया है। अच्छा, आज आपने यहाँ पर दीक्षा ली है हिंदू धर्म की दोबारा? हाँ, दोबारा, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छाई नजर आ रही? अपने 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 उसमें आ गए, धर्म में आ गए, तो बहुत अच्छा लगा हमें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अपने मर्जी से आए, मंत्रों के साथ में जनेऊ भी धारण किया है, माला भी पहनी, सबके साथ में, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक। कितने साल से आप मुस्लिम थे? बड़े पूरे थे हमारे, 15-16 साल से थे। तो कैसा लग रहा?
हमें अपने अपने अच्छा लग रहा है।